जैसा कि आप जानते हैं, मारुति सुजुकी ने कोई भी बड़ा लॉन्च कुछ महीनों में इस साल नहीं किया है। ऐसे मारुति सुजुकी काफी सारे न्यू प्रोडक्ट के साथ भारतीय बाजार में जल्द ही वापस एंट्री करने वाली है। तो आज की इस वीडियो में आपको टॉप 5 अपकमिंग कार्स ऑफ मारुति सुजुकी कंपनी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे। फिफ्थ गाड़ी की बात करें तो वो है न्यू जनरेशन सिलेरियो। न्यू जनरेशन सिलेरियो को अगले महीने लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि नवंबर के महीने में इसे कंपनी लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर रही है। इस गाड़ी में आपको काफी सारे बदलाव के साथ एक कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट देखने को मिलने वाला है करंट जनरेशन से। ये जो प्रोडक्ट है वो आपको काफी ज्यादा यूनिक एंड काफी ज्यादा अलग लगने वाला है। इसकी जो हाइट, विड्थ एंड लेंथ है उसे कंपनी थोड़ा बढ़ाया है, जिससे गाड़ी में आपको अच्छी स्पेस प्रोवाइड की जा सके। न्यू हाईटेक प्लेटफॉर्म की वजह से इसमें आपको थोड़ी बहुत बिल्ड क्वालिटी में भी फर्क देखने को मिलने वाला है, और इसका लुक थोड़ा सा स्पोर्टी दिया गया है और एक मिनी एसयूवी टाइप इसका लुक आपको मिलता है। इसमें आपको रैप अराउंड टेल लैंप्स के साथ साथ सिंपल बम्पर दिया गया है, जो कि काफी ज्यादा यूनिक लगता है। साथ ही इसमें आपको ब्लैक कलर के मल्टी स्पोक एलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो कि गाड़ी को काफी ज्यादा यूनिक बनाते हैं। साथ ही इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में आपको कंप्लीटली न्यू डिजाइन डैशबोर्ड देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, और साथ ही इसमें आपको काफी सारे न्यू फीचर्स भी इंटीरियर में देखने को मिलने वाले हैं। इसमें आपको रियर वाइपर भी दिया गया है, जिससे आपको ज्यादा अच्छी विजिबिलिटी बैक साइड में भी मिल सके। साथ ही अगर बात करें कार के सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको डुअल एयरबैग्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे फीचर्स भी इस गाड़ी में आपको देखने को मिलते हैं। दो इंजन ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिलते हैं, 1.0 लीटर का K10 इंजन एंड 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि 5 स्पीड मैनुअल एंड 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आने वाला है। लगभग 4.5 लाख रुपए से इसकी प्राइसिंग स्टार्ट रहने वाली है, 5 लाख। सो फ्रेंड्स, सेकंड गाड़ी की बात करें तो न्यू जनरेशन विटारा ब्रेजा। न्यू जनरेशन विटारा ब्रेजा भारतीय बाजार में जल्द ही लॉन्च होने की तैयारी कर रही है। काफी दिनों से विटारा ब्रेजा में SH कोई मेजर अपडेट देखने को नहीं मिले, ऐसे में ये गाड़ी अपने कॉम्पिटिशन से थोड़ी पीछे रह जाती है। इसीलिए कंपनी इस गाड़ी में भी मेजर चेंजेस के साथ इसे भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसमें इसके एक्सटीरियर में आपको काफी मेजर चेंजेस देखने को मिलने वाले, जिसमें आपको न्यू LED हेडलैम्प्स के साथ साथ न्यू LED DRLs, कंप्लीटली न्यू ग्रिल, न्यू बम्पर विद न्यू स्किड प्लेट एंड फॉगलैम हाउसिंग देखने को मिलने वाली है। इसके जो ओवरऑल डायमेंशन है उसमें आपको इतने मेजर बदलाव देखने को नहीं मिलने वाले, लेकिन इसका लुक काफी ज्यादा चेंज कर सकती है। साथ ही इसमें आपको न्यू एलॉय व्हील्स के ऑप्शंस भी कंपनी प्रोवाइड करने वाली है। इंटीरियर सेक्शन की बात की जाए तो इंटीरियर में आपको काफी बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, थोड़ा सा एडवांस डैशबोर्ड देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अभी करंट जनरेशन में आपको काफी बेसिक डैशबोर्ड देखने को मिलता है, ऐसे कोई मेजर फीचर्स भी देखने को नहीं मिलते, लेकिन आने वाली न्यू विटारा ब्रेजा उसमें आपको काफी मेजर चेंजेस देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको न्यू स्टीयरिंग व्हील डिजाइन के साथ साथ काफी शानदार रूमी इंटीरियर देखने को मिलने वाला, कलर ऑप्शंस में भी आपको काफी सारे मेजर चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही इसमें आपको फैक्ट्री फिटेड सनरूफ का ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आने वाली हर गाड़ी में आपको सनरूफ देखने को मिलता है। रियर सेक्शन में भी आपको मेजर चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर के साथ साथ रियर वाइपर, डीफॉगर, न्यू वाइपर, साथ ही आपको न्यू LED टेल लैंप्स के साथ साथ न्यू बम्पर की डिजाइन देखने को मिलने वाली है। गाड़ी काफी ज्यादा यूनिक रहने वाली है, और इसमें आपको HSVC माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन CNG के साथ भी देखने को मिलने वाला। साथ ही इसमें आपको 1.5 लीटर का BS6 कंप्लायंट डीजल इंजन जो पहले आता था उसे कंपनी वापस रीइंट्रोड्यूस करने जा रही है। गाड़ी आपको काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज लगने वाली है, और इसमें आपको न्यू हाईटेक प्लेटफॉर्म के यूज की वजह से बिल्ड क्वालिटी में भी काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, और ये माइलेज के मामले में काफी ज्यादा अपने सेगमेंट से आगे रहने वाली है। प्राइसिंग की बात कर लगभग 7.5 लाख रुपए से इसकी प्राइसिंग स्टार्ट रह सकती है। सो फ्रेंड्स, अब बात कर थर्ड नंबर वाली गाड़ी की, तो वो है न्यू जनरेशन बलिनो। न्यू जनरेशन बलिनो भारतीय बाजार में जल्द ही लॉन्च होने की तैयारी कर रही है। ये जो गाड़ी है ये वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी रहने वाली है अपने सेगमेंट की, क्योंकि न्यू फीचर्स के साथ साथ ये गाड़ी कम प्राइस में अपने कंपटीटर को काफी कड़ा मुकाबला पेश करने की पूरी तैयारी कर रही है, जिसमें आपको काफी सारे मेजर चेंजेस के साथ साथ कंप्लीटली न्यू LED हेडलैम्प्स, न्यू LED RLs, कंप्लीटली न्यू ग्रिल एंड इसकी जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा कर्वी देखने को मिलने वाली है। जो हाल फिलहाल करंट जनरेशन बलिनो आती है वो काफी ज्यादा गोल और हल्की सी राउंडी शेप में लगती है, लेकिन जो आने वाली बलिनो है वो आपको काफी ज्यादा कर्वी डिजाइन के साथ साथ कंप्लीटली न्यू डिजाइन ऑप्शंस के साथ रहने वाली, क्योंकि ये एक फेसलिफ्ट नहीं, ये कंप्लीटली न्यू जनरेशन है, जो जिसमें आपको कंप्लीट ये गाड़ी एक नए अवतार में देखने को मिलने वाली है। रियर सेक्शन भी आपको काफी ज्यादा यूनिक देखने को मिलने वाला है, और इस गाड़ी को अगले साल के स्टार्टिंग तक भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया जा सकता है। साथ ही इंटीरियर की बात करें तो इसमें आपको टाटा की अल्ट्रोस जैसा फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, 8 इंचेस
की स्क्रीन देखने को मिलने वाली। साथ ही इसमें आपको डैशबोर्ड की डिजाइन भी न्यू कलर ऑप्शंस के साथ देखने को मिलने वाली है एंड इसमें आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, न्यू स्टीयरिंग व्हील मिल सकती है। साथ ही इसकी ओवरऑल जो लुक है वो काफी ज्यादा प्रीमियम कंपनी बनाने वाली है, जिससे ये एक जो प्रीमियम कस्टमर बेस है जिनको एक हैचबैक कार चाहिए प्रीमियम सेगमेंट की और वो ह्युंडई i20 की ओर या फिर अल्ट्रोस की ओर नहीं जाना चाहते और वो मारुति सुजुकी की एक अच्छी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए काफी अच्छा ऑप्शन साबित रहने वाला है। वैसे तो बलिनो अभी भी भारतीय बाजार में काफी ज्यादा बिकती है और टॉप सेलिंग की लिस्ट में नंबर 1, 2, 3 पे आती ही रहती है, तो इसी को देखते हुए, इसी पॉपुलरिटी को देखते हुए मारुति सुजुकी इस गाड़ी को काफी हद तक एक यूनिक प्रोडक्ट के साथ भारतीय बाजार में लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर रही है और इसकी अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर रेगुलरली मिलती रहेगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो लगभग 5.5 लाख से 6 लाख रुपए के आसपास इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होने वाली है। बात करें नंबर 2 गाड़ी की तो वो है बलिनो बेस्ड एक SUV जो कि 5TB कोड नेम से भारतीय बाजार में जल्द ही लॉन्च होने की तैयारी कर रही है। तो मारुति सुजुकी एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बलिनो पे बेस्ड एक न्यू SUV को इंट्रोड्यूस करने जा रही है जो कि मारुति विटेरा ब्रेजा से एक नीचे वाले सेगमेंट में लॉन्च हो सकती है, जो कि सीट्रोन C3 टाटा पंच जैसी SUV को कम्पीट करने जा रही है। ये गाड़ी भारतीय बाजार में काफी ज्यादा यूनिक प्रोडक्ट रहने वाली है क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको SUV जो माइक्रो या मिनी SUV है उनकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है। लगभग 5 से 7 लाख के बीच में ये गाड़ी भारतीय बाजार में लॉन्च होगी जो कि भारतीय बाजार में एक अलग ही प्रोडक्ट रहेगी। ये जो गाड़ी है ये आपको सेम बलिनो के ही इंस्पायर्ड LED हेडलैम्प्स, न्यू ग्रिल, न्यू बम्पर के साथ भारतीय बाजार में इंट्रोड्यूस करने वाली है। इंजन की बात की जाए तो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर का डीजल इंजन कंपनी इसमें प्रोवाइड कर सकती है। CNG के ऑप्शन के साथ ये गाड़ी आएगी जिससे आपको माइलेज में भी एक अच्छा प्रदर्शन ये गाड़ी करने वाली है। इस गाड़ी को अगले साल के मिड तक भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि जून जुलाई यानी कि अगस्त से अक्टूबर के बीच में 2022 तक भारतीय बाजार में इस गाड़ी को लॉन्च करने की पूरी तैयारी कंपनी कर रही है। सो फ्रेंड्स, नंबर 1 गाड़ी की बात करें तो वो है एक कॉम्पैक्ट SUV जो कि ह्युंडई क्रेटा एंड किया सेल्टोस के सेगमेंट में लॉन्च होने जा रही है जो कि मारुति की विटारा। इसे हाल ही में टेस्टिंग के दौरान इंडियन रोड स्पीड स्पोर्ट किया गया है। ये मारुति सुजुकी एक ऐसा प्रोडक्ट था जो कि काफी सालों पहले भारतीय बाजार में बेचा जाता था लेकिन अब SUV की डिमांड इतनी ज्यादा नहीं थी जिसकी वजह से इसे डिसकंटिन्यूड कर दिया गया था। अब इसके न्यू जनरेशन को भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कंपनी कर सकती है जिसे अभी टेस्टिंग के दौरान एक्सपोर्ट किया गया। ये जो गाड़ी है ये एक बड़ी एंड काफी ज्यादा यूनिक प्रोडक्ट है मारुति सुजुकी का, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ह्युंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, हैरियर जैसे जो कार्स है उनकी डिमांड भारतीय बाजार में काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में कंपनी इस गाड़ी को लॉन्च करके अपनी भी एक SUV इस सेगमेंट में इंट्रोड्यूस करने की पूरी तैयारी कर रही है। ये जो गाड़ी है ये वन ऑफ द बेस्ट कार रहने वाली है। इसमें आपको काफी बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, कंप्लीटली टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ आने वाला है, न्यू स्टीयरिंग व्हील, सो इसमें आपको 1.5 लीटर का DDI डीजल इंजन भी कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। माइल्ड हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ ये गाड़ी आने वाली है जिससे आपको काफी हद तक काफी ज्यादा माइलेज मिल सके इसके कॉम्पिटिटर से। बाकी लुक्स एंड फीचर्स की बात की जाए तो इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट, वायरलेस चार्जिंग, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फ्रंट सीट जैसे फीचर्स देखने को मिलने वाले। सेफ्टी में भी ये गाड़ी वन ऑफ द बेस्ट कार रहने वाली है मारुति सुजुकी की। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं गाड़ी लुक्स में काफी ज्यादा यूनिक लगती है, काफी बड़ी गाड़ी लगती है कॉम्पिटिशन से, तो ऐसे में भारतीय बाजार में ये काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है अगर इसे कंपनी लॉन्च कर दे तो। इसकी प्राइसिंग लगभग 11 से 12 लाख रुपए के आसपास रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये थी कंप्लीट डिटेल मारुति सुजुकी अपकमिंग प्रोडक्ट्स की जो कि भारतीय बाजार में लॉन्च हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गाड़ी से रिलेटेड इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।